बच्चे मुझे कोई बताएगा सीखने के लिए, है ना? हम किताबों से सीखते हैं, हाँ, और एक दूसरे के बिहेवियर से सीखते हैं, है ना? कौन किस तरह का बर्ताव कर रहा है, कौन किस तरह की बातचीत कर रहा है, उसका लेन देन कैसा है, यानी हम अगर अपनी क्लास में कॉपी पेंसिल टिफिन शेयर कर रहे हैं तो किस बिहेवियर से कर रहे हैं, है ना? किस तरह से कर रहे हैं, तो कितना हम प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं और कितनी हम नफरत जो है वो बांट रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंडर एक थीम है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी बच्चे होती है शनाख्त, ठीक है ना? और फॉर्मेशन अपनी शनाख्त को कैसे बनाया जाए, तो हमारी शनाख्त जो है उसको वो हमारे बिहेवियर से होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है? यानी हमारा हमारी बेयरिंग कैसी है, हमारी टॉक कैसी है, हमारी वॉक कैसी है, किस तरह से हम उठ बैठ रहे हैं, यही सब चीज़ें जो हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन में नोट इसी से हमारी आइडेंटिटी जो है वो पहचानी जाती है, हमारी पहचान जो है वो इसी से बनती है। तो बच्चों मैक्सिमम लगभग अगर देखा जाए तो नज़रिए जो हैं वो दो ही हैं, आइडियाज़ दो ही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो चल रहा है जैसा चल रहा है ठीक है, मिल गया तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो अलग दिखना चाहते हैं, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है? और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो ये फील करते हैं कि हमारी जो है वो अलग पहचान होनी चाहिए, यानी मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे मैं पहचाना जाऊँ। तो ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, वो सारी तो यहाँ पर बताई नहीं जाती, लेकिन और ना ही बताई जा सकेगी, इतना समय नहीं होता। तो मैं आपको इसके कुछ टिप्स बताऊंगी कि हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चे, अच्छी आदतों को अपनाना है, ठीक है? हर किसी में अच्छी आदत भी होती है, बुरी आदत भी होती है, लेकिन हमें क्या करना है, तालीम का क्या मकसद होता है, एजुकेशन किस लिए होती है, कि हम पहचान करें कि अच्छी आदतें कौन सी हैं और बुरी आदतें कौन सी हैं। तो हम अपनी पहचान बनाएं अच्छी आदतों को अपना कर, ठीक है? फिर कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको आपके आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे। अगर आप बैठ के सोचते रहोगे कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, किताबें नहीं खोलोगे।